चाइना रेडियो से बात करते हैं जी। हेलो 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 गालिब भाई, कैसे हो? मैं ठीक हूँ भाई, आप कैसे हो? हाँ मैं ठीक हूँ। अच्छा जी, क्या बात करोगे? मैं ये कहना चाहता हूँ, इस्लाम कैंसर नहीं, इस्लाम कैंसर नहीं है सोसाइटी का, आप ऐसा क्यों मानते? इस्लाम तो पूरी इंसानियत को आजादी देता है, इंसानियत को उभारता है, इंसाफ का निजाम। थोड़ा सा मुंह से दूर करो, बहुत मेरे कानों में लग रहा है, माइक थोड़ा सा दूर करो। अच्छा, इंसाफ का निजाम बनाता है इस्लाम। तो इस्लाम को आप कैंसर क्यों समझते हो? तो यार कैंसर ना समझू तो क्या करूं फिर? अरे इस्लाम तो इतना अच्छा है, पूरा माशरे में दुनिया में इंसाफ का निजाम लगाता है। अल्लाह का भेजा हुआ मजहब है, वो तो इंसानियत के लिए है पूरा गालिब भाई। अच्छा, वाह वाह, क्या बात है। चले मुझे एक काम बताएं हजरत मोहम्मद ने जो इंसानियत के लिए किया था, कौन सा काम? अरे पूरा तो इंसानियत के लिए किया, गरीबों का पूरा, गरीबों को इंसाफ नहीं मिलता था, गरीबों के लिए इंसाफ, सब कुछ तो इस्लाम में है। अच्छा, इतना अच्छा माशरा बनाया था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अच्छा अच्छा, हो हो, तो क्या माशरा बनाया था, उस माशरे की अच्छाई क्या थी? अरे मदीना में कितना अच्छा माशरा बना था। तो जो 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 9 साल की लड़की से शादी की थी वो माशरा अच्छा हुआ था या बुरा हुआ था? ओए होए हो यार, मेरा कानों का ख्याल कर मेरे भाई। उफ उफ। हाँ जी, हाँ देखिए वो है ना, वो उस टाइम पे वो बुरा नहीं था, वो एक्चुअली में हुआ था भी कहीं नहीं, किसको देखो पता नहीं, वो हदीस में आता है, कुरान में नहीं है। अगर हुआ भी था तो उस टाइम पे बुरा नहीं था, वो बहुत कॉमन था, ठीक है? और जो चीज कॉमन होती है वो चीज बुरी नहीं होती है। नहीं तो अल्लाह अल्लाह यानी अल्लाह का नबी जो था वही काम कर रहा था, तो आसपास के लोग कर रहे थे वही गलत काम। नहीं नहीं ऐसे नहीं, वो गलत काम नहीं था गालिब भाई। नहीं तो फिर आज वो गलत है तो उस टाइम वो सही था? आज भी गलत नहीं है, यानी आप समझो आज लोगों का मेंटालिटी ऐसा हो गया है कि लड़की भी पढ़ना चाहिए, जॉब करना चाहिए, तो आज के हिसाब से लोग ऐसा सोचते हैं। तो क्या आप अपनी बहन की शादी बदलते जाती है गालिब भाई? आप अपनी बहन की शादी, मेरी बात सुन रहे हो, आप अपनी 6 साल की बहन की शादी कर सकते हो? कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी आप अपनी 6 साल की बहन की शादी कर सकते हो? कर सकते। तो फिर अब अगर उसके साथ कोई सेक्स करेगा तो वो तो बेचारी डैमेज हो जाएगी, तो फिर क्या होगा? वो तो मर भी सकती है। देखिए वो मेडिकल कंडीशन देख के कोई भी करता है इस तरह। नहीं तो आप क्या पहले 6 साल की लड़की को डॉक्टर के पास लेके जाओगे कि ये सेक्स अगर इसके बाद ये बचेगी या नहीं, ये चेक करोगे? और वो जो था वो आयशा का केस ऐसा था कि अल्लाह से वही आई थी उनको निकाह करने की। ये बात नहीं मैं कर रहा, मैं आपसे, आपने ये कहा कि वो चीज ठीक है, आज भी आप कर सकते हो, तो मुझे ये बताएं फिर कि जब आप ऐसे करेंगे और अगर लड़की मर गई पहली रात ही तो क्या करेंगे फिर आप? नहीं होता है। आप समझ, आप ये कह रहे हैं कि 6 साल की बच्ची नहीं मरेगी, 9 साल की बच्ची नहीं मरेगी? नहीं गालिब भाई, आप ऐसा केस देखा नहीं है। आपको कैसे पता है? आपको तो भाई लोग करते ही नहीं है ना शादी इस उम्र में, इसलिए नहीं करता होता। नहीं आज का देखो माहौल एक चेंज हो गया है, लोग आज पढ़ाना चाहते हैं, डॉक्टर बनाना चाहते हैं। हाँ ना, मगर आप 100 साल पहले यार, मैं माहौल की बात नहीं कर रहा। आपने ये कहा कि 6 साल की 9 साल की लड़की की शादी होगी भी तो कुछ भी नहीं होगा, आपने ये कहा कि वो ठीक रहेगी। मुमकिन है, वो देखो डाइट और सबके अलग अलग हेल्थ के ऊपर भी रह सकता है। नहीं तो मुझे ये बताओ ना कि रसूल, जब रसूल अल्लाह को ये पता था कि 9 साल की उम्र में लड़कियों के साथ मसला होता है, तो अल्लाह ने ऐसी रिवायत बनने क्यों दी, मुझे ये बताएं। उसका देखिए श्योरिटी, मतलब वो मैं उस वक्त की बात ही नहीं कर रहा, क्या रसूल अल्लाह की सुन्नत जो है, सीरत रसूल क्या इस क्या क़यामत तक मशले राह है या नहीं है, मुझे ये बताएं। मशले राह है सीरत रसूल क़यामत तक या नहीं? तो फिर अगर है तो फिर इसका मतलब है कि फिर तो रसूल अल्लाह ने एक बहुत ही गंदी एग्जांपल दी है 9 साल की बच्ची से शादी करने की।
उस टाइम पे उस इलाके में कॉमन था, उस इलाके में कॉमन था ना यार चंदा मेरे, मैं ये बात नहीं कर रहा ना, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आप रसूल अल्लाह की जो मशल राह है या रसूल अल्लाह, तो इसका मतलब है कि एक आम आदमी थे, रसूल अल्लाह ने वो काम किया जो कि आज आम आदमी को भी पता कि गलत है। उस वक्त के आम आदमी को इसलिए नहीं पता था क्योंकि वो जाहिल था उस वक्त का आम आदमी। तो रसूल अल्लाह अपने आम वक्त के आम आदमी जैसे ही थे, उन्हें जाहिल भी कहा जा सकता है फिर। उनके पास तो देखो अल्लाह से इल्म आता था, और एक चीज पे सिर्फ अटक जाएंगे तो गाली पे बाकी नहीं चलेगा ना, हमें पूरा समाज पूरा माशरा उन्होंने कैसे किया वो भी तो सब देखना पड़ेगा ना। क्या कितना अच्छा माशरा बनाया, कितना अच्छा समाज का सोशल जस्टिस बनाया, उस माशरे में अच्छाई थी क्या, तबलीग करें मुझे। सोशल जस्टिस पूरा कितना अच्छा है। सोशल जस्टिस क्या होता है बताएं तो सही। सोशल जस्टिस रहता है ना, गरीबों पे जुल्म ना हो, गरीबों को भी जकात मिले, शेयर मिले जो वेल्थ है नेशन का। अच्छा। बहुत कुछ रहता है। अच्छा, तो फिर क्या? कोई देखो सब इंडिया में जैसे कि सब जो पीछे लोग हैं कुछ दलित, तो लोग हमेशा उन लोग जेनरेशन टू जेनरेशन दलित ही रह जाते हैं, गरीब रह जाते हैं क्योंकि उनके पास कोई सोर्स नहीं रहता है। जब जकात का सोर्स बनाया अल्लाह ने तो गरीब लोग थे उन लोग अमीर हो जाते थे, एक गरीबों पे जुल्म नहीं होता था, पूरा एक सोशल जस्टिस कितना अच्छा था उसमें। वो आप वो सब चीज आप नहीं देखते हो। अच्छा तो क्या क्या किधर हुआ था सोशल जस्टिस, मुझे तो नजर नहीं आता कहीं भी, मुझे तो गुलामों की मंडियां नजर आती थी। क्या सोशल जस्टिस था ये, तो आप जो बातें कर रहे हो ये तो मुझे इसका कोई सबूत भी तो दो ना कि किस गरीब को जो है वो उसकी जिंदगी हजरत मोहम्मद की वजह से बेहतर हो गई। सदका ज़कात का निजाम बनाया था यार, वो तो हजरत मोहम्मद से पहले भी था ना सदका ज़कात का। नहीं नहीं ज़कात दूसरे मज़हबों में था, क्यों नहीं था यार, सब मज़हबों में खैरात का सदका खैरात ज़कात का तो ज़कात का भी निजाम क्रिश्चियनिटी में तो है और इस्लाम से बहुत अच्छा है। 10% क्रिश्चियनिटी तो 10% ज़कात लेती है, ठीक है, और वो फिर लोगों पर लगाया जाता है। हाँ 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 है हाँ, क्यों, मगर वो क्योंकि मजहब को छोड़ चुके हैं इसलिए वो 10% नहीं लेते हैं लोगों से, ठीक है। तो रसूल अल्लाह ने जो किया था ये तो कोई नई बात नहीं है। हाँ, और दुनिया में बहुत से लोग हैं जिन्होंने रसूल अल्लाह से पहले भी लोगों का के लिए वेलफेयर का काम किया था, तो बताएं फिर। तो आपके पास कोई वैसे मुझे बताने के लिए कुछ नहीं है, आपके पास बस सुनी सुनाई बातें हैं, वेलफेयर का निजाम कायम किया था, जितना सुना है हमने उसमें तो इतना हाँ, वही है तो, वही है ना, तो उलमाओं ने जो बताया है वो तो कोई तोप बात भी नहीं है, मतलब इतना जुण और इधर इधर एक हमारे भाई हैं एटम, वो कह रहे हैं मेरी तो आंखों में आंसू आ गए, बनू कुरैज़ा के साथ जो सोशल जस्टिस हुआ वो देख। खांसी लग गई आपको? कोविड तो नहीं हो गया कहीं यार? फिर माइक ही म्यूट कर लो ना यार खांसते हुए, चाइना रेडियो भाई, ठीक है। तो ये बातें हैं, सही है, चलें आपने कोई और बात करनी है तो कर लीजिए, मैं फिर आगे जा रहा हूँ, ठीक है। चलिए आगे जा रहा है, ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें, इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं, पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।